नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेन। दोस्तों आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो एलटी गेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के आए आयोग के कई अफसर यहाँ पर घिरे होने की आशंका है। दोस्तों आपको पता होगा जो 10,768 एलटी गेट परीक्षा 2018 वाली है इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। एक तो मेन गड़बड़ी है जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है, ठीक है। वहीं पर इसके अलावा अन्य खामियां भी हैं जिसमें अधिकारी सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आयोग के अफसर जो लगातार इससे बचते आ रहे हैं। तो कल काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो डॉक्टर प्रभात कुमार से मिले, क्योंकि कल बुधवार था और हर बुधवार को प्रतियोगी छात्र डॉक्टर प्रभात कुमार से मिल करके अपनी समस्याएं बताते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बोला है, बताया है डॉक्टर प्रभात कुमार को कि एलटी गेट की जब परीक्षा हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो दो विषय में आवेदन किए थे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों विषय के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आयोग ने बिना सोचे समझे परीक्षा कराई और सिर्फ एक पाली में परीक्षा कराई। तो ऐसे में काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो दो विषय के लिए आवेदन किए थे, उनका एक फॉर्म कैंसिल कर दिया गया जबकि दूसरा फॉर्म उनका किसी एक ही फॉर्म में वो लोग परीक्षा दे पाए, ठीक है। और जब यहाँ पर रोल नंबर का आवंटन हुआ, प्रवेश पत्र का आवंटन हुआ, तो सीरियल वाइज रोल नंबर यहाँ पे आवंटित किए गए थे, जबकि होता ये है कि रेंडमाइज किया जाता है, इसका आगे पीछे उल्टा इधर उधर किया जाता है। तो इसमें भी काफ़ी सारे अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो जो विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के डॉक्टर प्रभात कुमार से मिले और डॉक्टर प्रभात कुमार से बोला है कि एलटी गेट में जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि आखिर पता चले कि गड़बड़ी कौन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट हो गई एलटी गेट भर्ती को लेकर के। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये न्यूज है डीएलएड को लेकर के। आप लोग जानते हैं डीएलएड के इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही कम छात्र इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वही न्यूज़ यहाँ पर दी गई है कि जब से बीएड को शामिल किया गया है प्राइमरी में, तब से डीएलएड का जो स्तर है बहुत ही गिर गया है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। एक चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अभी लगभग 2/3 सीटें खाली हैं, जबकि जो अगली काउंसलिंग है 16 अगस्त से प्रस्तावित है। और जो बोर्ड है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, उसका कहना है कि छात्र इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। अगर यही सब कुछ रहा तो डीएलएड की काफ़ी सारी सीटें इस बार खाली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी में जब से शामिल किया गया है तो बीएड करने से वो कई सारे परीक्षाओं में बैठ सकता है, जैसे प्राइमरी में भी बैठ सकता है। उसके लिए शर्त लगाई गई है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा अगर प्राइमरी में बीएड वाले शामिल होते हैं तब। और उसके अलावा बीएड वाले के लिए जूनियर की वैकेंसी भी खुली हुई है, टीजीटी पीजीटी की भी खुली हुई है। तो ये सब कारणों के चलते जितने बी अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन कराने की ज़्यादा सोच रहे हैं, डीएलएड में नाम मात्र ही एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि डीएलएड सिर्फ प्राइमरी के लिए ही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये न्यूज़ है आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा निदेशक को लेकर के, ठीक है। उच्च शिक्षा निदेशक में काफ़ी दिनों से पद खाली चल रहा था, तो यहाँ पर डॉक्टर वंदना शर्मा को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थायी निदेशक मिल गया। शासन ने राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर की प्राचार्य डॉक्टर वंदना शर्मा को विभागीय प्रोन्नत समिति की सिफारिश के आधार पर प्रोन्नत करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक बनाया है। डॉक्टर अलोक कुमार को यहाँ पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ बनाया गया है, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने हलफनामा दे रखा था कि ये पद हर हाल में 5 अगस्त तक भर लिया जाएगा। इन 5 अगस्त तक नहीं हो पाया तो कल 7 अगस्त को ये पद भर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये न्यूज़ है जितने भी साथी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों DSSB में 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द होने की उम्मीद है। सरकार के शिक्षा निदेशालय ने
दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड को भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा। दोस्तों आपको पता होगा पिछले साल यानी 2018 में यहाँ पर 10,591 शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर सूचना आई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, DSSSB ने कुछ तकनीकी कारणों से इसको वापस कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से मार्च में इसका अध्याचन जो पूरा भर्ती कराने के लिए सरकार ने भेजा, लेकिन उस समय भी टेक्निकल खामी के बाद इसको DSSSB ने फिर से वापस कर दिया। अब यहाँ पर ये न्यूज आ रही है कि 10,371 पदों पर DSSSB जल्द भर्ती कराएगा, ठीक है। हालांकि 220 पद इसमें कम हो गए, क्योंकि पहले 10,591 के आसपास पद थे और इस बार जो पद हैं 10,371 हैं। तो 220 पदों का याचन इस बार नहीं जा पाया है, नहीं भेजा गया है, तो इस बार 220 पदों पर भर्ती कम होगी, नहीं तो 10,591 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इस बार होगी 10,371 पदों पर, ठीक है। वहीं पर सरकार ने यह भी निर्णय लिया हुआ है कि जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाती है तब तक अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जाए। उसी को लेकर के यहाँ भी अपडेट है कि नॉन सीटेड अतिथि अध्यापकों को पढ़ाने का फिर मौका, जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इनको मौका दिया गया है, ठीक है। ये जो अतिथि अध्यापक भी थे पहले इनको हटा दिया गया था, इनकी सेवाएं बंद कर दी गई थी। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जाकर के आंदोलन किया, जो अतिथि शिक्षक थे, लगभग इनका आंदोलन 70 दिनों तक चला था, ठीक है। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जो सीटेड थे उनको परमानेंट कर दिया, लेकिन बाद में फिर जगह बच रही थी तो क्या हुआ, अब नॉन सीटेड अभ्यर्थियों को फिर से मौका दे दिया गया है और यह एक टेम्परेरी नियुक्ति है जब तक 10,371 भर्ती संपन्न नहीं हो पाती है। तो जो मित्र तैयारी कर रहे हैं 10,371 की DSSSB की, उनके लिए जल्द TGT PGT की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों ये जो न्यूज है यहाँ पर श्रमिक स्कूलों के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल 2 साल में खोलने का निर्णय लिया हुआ है। श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 मंडली मुख्यालय पर बनने वाले आवासीय विद्यालयों के लिए प्रदेश सरकार ने धन देना शुरू कर दिया है। पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने इन अटल आवासीय विद्यालयों की गाइडलाइन भी बना ली है, अगले 2 साल में यह विद्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अगले 2 साल में ये विद्यालय बनेंगे और 18 मंडल हैं तो 18 मंडली मुख्यालय पर बनेंगे, मतलब ये जो स्कूल मुख्यालय पर बनेंगे और ये एक आवासीय विद्यालय होंगे, इनका नाम होगा अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये विद्यालय बन रहे हैं और इसके लिए ज़मीन वगैरह सब चिन्हित कर ली गई है। आपको बता दें ये जो विद्यालय है पूरा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसमें सारी सुविधाएँ रहेंगी, हर तरीके से जो बच्चे पढ़ पाएंगे और यहाँ पर जो श्रमिक श्रम व भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं उनके बच्चों को 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी जो बिल्कुल फ्री में होगी, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गई आपके लिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर न्यूज है DLED को लेकर के, DLED के 2018 द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जो परीक्षा कार्यक्रम में जारी कर दिया गया। प्रथम प्रश्न पत्र 14 अगस्त को होगा, 10 से 12, द्वितीय भी 14 को होगा, 2 से 4, तृतीय विज्ञान गणित का पेपर होगा 16 को, 10 से 11 और 12 से 1। पंचम जो प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का होगा 16 तारीख को 2 से 4 और खष्टम प्रश्न पत्र होगा 17 को 10 से 11 और सप्तम होगा 17 को 12 से 1। ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों TGT PGT को लेकर के अपडेट है कि TGT PGT अभ्यर्थी जो लगा कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सचिव पर प्रदर्शन किए, धरना रख दिए और वहां पर इन्होंने मांग की TGT को शामिल किए, TGT में जीव विज्ञान को शामिल किया जाए। शासन ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है, इससे जितने भी TGT बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी वो नाराज हैं और इसलिए यूपी बोर्ड सचिव का घेराव किया, क्योंकि यूपी बोर्ड सचिव की ही सहमति से ये TGT जीव विज्ञान का पद समाप्त किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कल घेराव किया। सचिव ने बताया है कि प्रतियोगी छात्रों से शासन के संयुक्त सचिव से बात करवाई गई है, तब जाकर के अभ्यर्थी संतुष्ट हुए हैं, ठीक है।
वहीं पर जितने भी छात्र हैं या मुख्यमंत्री से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें टीजीटी पीजीटी वाले भी छात्र हैं जो कि ऑलरेडी 10 दिन से धरना दे रहे हैं, जो कि 2016 टीजीटी का रिजल्ट जारी कराने की मांग कर रहे हैं, 2019 भर्ती नई जल्दी से जल्दी जारी कराने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो दो गुट हैं, एक गुट है जो चयन बोर्ड पर धरना 10 दिन से दे रहा है, तो टीजीटी पीजीटी 2016 की बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहे हैं, और ये टीजीटी बायोलॉजी की भर्ती है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये न्यूज है बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर को लेकर के, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर के इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं, तो इसको आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो अगली न्यूज है वो जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर के, कल प्रतियोगी छात्र हैं जो चयन बोर्ड लोक सेवा आयोग पहुँचे, लोक सेवा आयोग में इन्होंने बात रखी अपनी कि 2013 जूनियर इंजीनियर भर्ती का रिजल्ट कब आ रहा है, तो यहाँ पर इनको आश्वासन मिला है कि जूनियर इंजीनियर के 3136 पदों के लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी अमरेश ने बुधवार को डॉक्टर प्रभात कुमार से मुलाकात की और परिणाम घोषित करने की मांग की, तब इनको बताया गया इसका रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो इसके इंटरव्यू होंगे 2 से 2.5 महीने में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे और साल के अंत तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा इनको आश्वासन मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ थी आज के वीडियो की, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।